प्रोफेशनल करने वालों को भी क्या है भाई। ये ऐसे डलवान पे है ऐसे। वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग ब्लॉग। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन की शुरुआत की है हमने थर्ड लोड से। थर्ड लोड अभी मैंने उतारा, उसकी वजह से काफी ज्यादा जोर शोर भी लगाना पड़ गया। कल से जब से दिलवाया यकीन माने मुझे तो देख दे कितना। ये बार्सिलोना का एज है, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली सी गली है। एनी हाउ, जिस तरह का भी था, कॉम्प्लिकेटेड था या ईजी था, कोई गाले जटा करांगे। खाली ट्रालियां उतारते हैं चल के नावे पे और देखते हैं अगर हमारे पास और कोई लोड है। होगा तो सही, बेरगा का डेफिनेटली होगा, तो अगर होगा तो बेरगा का लोड चल के उठाते हैं। सीन सस्पेंशन फुल मैंने नीचे भी की है पर उससे भी जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कमेंट्स में मैं देख रहा था, एक भाई ने पूछा था वेजेस का, ठीक है तनख्वाह कितनी है इधर। खैर अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है तो ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो। ठीक है चलता फिरता रहूँ वो भी किसी के खर्चे पे और पैसे भी कमाऊँ तो क्यों नहीं, वाई नॉट। तो अभी मिलते हैं आपसे दोबारा बिरगा का लोड उठा के, ठीक है चलें आज। हाँ जी शहजादे, वेलकम बैक विद कैमरामैन के साथ। तो अब बात कुछ ऐसी है कि एक भाई ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि तनख्वाहें कितनी हैं यहाँ पर। तो तनख्वाह से ज्यादा मैं समझता हूँ कि तनख्वाह से ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इक्विपमेंट किस तरह की है, ठीक है। यानी कि आपका ट्रक अच्छा होना चाहिए, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपके लोड अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी छोटी कंपनी में काम करता हूँ तो उसके पास हो सकता है कि पुराने ट्रक हों, ठीक है, दो चार दस ट्रकों वाली कंपनी जो है वो पुराने, मैंने किया हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ट्रक पुराने होंगे, लोड कंफर्म नहीं होंगे, ठीक है, कोई ना कोई खराबी आपको हाईवे पे आएगी और आएगी तो फिर मसाइल होंगे कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन कब आ रहा है आपको रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी इक्विपमेंट यानी कि ट्रक अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बड़ी कंपनी में काम करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट बड़ी कंपनी में काम करने का फायदा ये कि आपके लोड अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि तनख्वाहें कितनी हैं स्पेन में तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं कि ट्रकिंग में आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है तकरीबन 1600 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक, ठीक है, आपकी तनख्वाह जाती है। ये है बेसिक, ठीक है। इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल जो 1600 लेने वाला है वो दो लोड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है लिडल जो है, ठीक है, उसके ड्राइवर जो है उनके साथ मैंने गपशप की हुई है, ठीक है, मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। तो लिडल में ये होता है कि आपके दो लोड होते हैं दिन के, ठीक है, आप दो लोड उतारते हैं, पुरसकून हो गए, गए उतारा वापस आ गए उतारा वापस आके खत्म कर दिया, ठीक है। तो वो लेते हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 1600 यूरो है, ओके। फिर उसके बाद मुझे पता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सीमेंट के ट्रक, मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था, सीमेंट के जो ट्रक होते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं, उनके पीछे ना वो लगा होता है सीमेंट वाला, वो घूमते रहते हैं, वो काप कहते हैं इधर स्पेन में। तो वो कोर्स करते हुए मेरे साथ एक लड़का था जो कि ये सीमेंट वाला ट्रक चलाता था, उसकी बेसिक तनख्वाह 1500 यूरो थी, ठीक है। सुन के हैरान हुए ना, ट्रक चला रहा है और वो हैवी ट्रक है, तो 4XL वाले ट्रक चलाने से भी उसको 1500 यूरो की बेसिक तनख्वाह थी। उसके बाद वो एक्स्ट्रा घंटे लगाए या जो भी करे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा काम करे या जैसे भी है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी कंपनी में ट्रेलर चलाते हैं उनको 2100 यूरो बेसिक तनख्वाह मिलती है। सुन के हैरान हो रहे हैं। उसके बाद वो अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा करते हैं और दिस एंड दैट, ठीक है, वो पैसे बढ़ जाते हैं। बेसिक तनख्वाह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं गपशप लगा चुका हूँ, जानता हूँ मैं
इंटरनेशनल करने वालों को भी, इंटरनेशनल जो यहाँ से स्पेन से उठाएंगे जर्मनी चले जाएंगे, जर्मनी से लोड मिलेगा इटली चले जाएंगे, इटली से लोड मिलेगा फ्रांस चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह करते कराते मसलन वो घूमते रहते हैं। उनकी बेसिक तनख्वाह जो है ना वो है 2400 यूरो, ठीक है, उसके बाद उनके किलोमीटर्स थोड़ा बहुत और इस तरह करा के जो है ना वो 2800-2900 यूरो तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये सीन है कि आपकी तनख्वाह जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आप किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं, सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं, रीजनल ड्राइविंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, या आप किस तरह के लोड्स उठा रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि स्पेन की तनख्वाहें कितनी है। मैं यूरोप की नहीं बता रहा क्योंकि यूरोप में ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्रांस में चले जाएं को कुछ 400-500 यूरो ज्यादा होगा, पर ऑब्वियसली वहां पे रिहाइश के, खाने पीने के और बाकी अखराजात वो भी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में जो है वो 7-8 हजार यूरो है, पर वहां के अखराजात जो है वो भी डबल से भी ज्यादा है, बैलेंस भी है, 2-400 यूरो का अगर किसी को फर्क है तो है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। तो तनख्वाह जो है वो 1600-2500 यूरो तक है। और एक और बात जो आपको जेहन में रखनी है कि अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, अगर आपको ट्रकिंग पसंद है, ट्रकिंग के अलावा ड्राइविंग पसंद है, ये नहीं कि बस मैं पैसे कमाने हैं, ठीक है, नहीं, अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, ठीक है, आप रोड पे रह सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। 2 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे, साल कर लेंगे मैक्सिमम। तो ये शौक की भी बात है, पैशन की बात है, और उसके साथ साथ फिर पैसे भी आप कमा लेते हैं, कि शौक के साथ पैसे भी कमाएं और शौक भी पूरा करें। कल के स्पॉट पर ही, आई होप कि आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपने देखा तो मुझे इस व्लॉग के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम कल वाली जगह पर ही हैं, ये है C16 जो बार्सिलोना से अंदोरा तक जाती है, और हम अभी जा रहे हैं बिरगा का, बिरगा तो बिरगा का लोड उठाया हुआ है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा, और अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैं स्पेन में तब भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं अभी, मेरा ख्याल है कि दिन उतरने से पहले पहले जो है वो ट्रक में बैठते हैं, नहीं ट्रक में नहीं, टाइगर में बैठते हैं और चलते हैं बिरगा, बिरगा चल के लोड उतारते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात मुझे ज़रूर बताएं, यार सेक्सी लग रहा है कि नहीं, सही बताएं, साफ सुथरा ट्रक जो है ना उसकी तो क्या ही बात है। आपको मैं सनसेट का जरा दिखाऊं कि आज तो ऐसे लग रहा है दिन दिहाड़े ही वापस निकल आए हैं। नॉर्मली ये होता है कि वहां पर ही शाम हो जाती है, शाम से मुराद अंधेरा हो जाता है, तो आज थोड़ा जल्दी निकल आए हैं। बस प्यारा व्यू है इस वक्त जो है ना, वो पहाड़ियों के पीछे से सूरज जो है वो डूबता हुआ, गुरूब होता हुआ लग रहा है, और लाली जो है ना वो आसमान पर छाई हुई है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ जी बब्बर शेरो, क्या हाल चाल, आगे हम वापस नावे पे, ठीक है, ट्रक खड़ा कर दिया है, सब कुछ हो गया है, रनो भी स्टार्ट हो गई अद्धे सलफ पे, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी सी अच्छी सी वीडियो में, टिल देन रब रखा, एंजॉय द वीकेंड, और जो क्रिश्चियन है उनको मैरी क्रिसमस, enjoy, see you till next one. Cut, ठीक है।
ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਫ਼ ਬਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।